more, nothing less. अब मैं ये बात नहीं कर रहा कि इन्फ्लुएंस बुरा है या अच्छा है, मगर इन्फ्लुएंस जरूर होता है। तो लीडर, अगर कोई ये दावा करता है कि वो लीडर है और वो इन्फ्लुएंस किसी को नहीं कर रहा या कोई उसके पीछे नहीं आ रहा, तो वो सिर्फ टहल लगा रहा है, वो लीडर नहीं है। ई स्टैंड्स फॉर एम्पथी, यू एम्पथाइज विद द पीपल वंस यू लिसन देम, सो मेक श्योर यू पुट योरसेल्फ इन देयर शूज एंड फील इट। देन A stands for, after listening and empathizing, whatever comes in your mind, ask questions. 8% लफ्जों का अमल दखल होता है कम्युनिकेशन में, 37% आपकी टोनैलिटी होती है और 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है। और इट्स ए ट्रू फैक्ट, क्योंकि पीपल सी थ्रू यू बट पीपल डोंट लिसन केयरफुली। मैंने भी वही लफ्ज में तीन अंदाज से कह रहा हूँ, जरा गौर कीजिए। तो मैंने कहा, आप जा रहे हैं, सिंपल सा स्टेटमेंट है, आप जा रहे हैं। अब मैं उसी को चेंज करता टोन से, आप जा रहे हैं, आपको लगेगा बड़ा तहकुमाना किस्म का लहजा, और फिर मैं तीसरा बॉडी लैंग्वेज, आप जा रहे हैं, मतलब मैं तंज कर रहा हूं। अब लफ्ज वही है, उनका अदायगी। तो यही ख्याल रखना चाहिए कि लफ्जों से ज्यादा अहम आपकी टोन है और आपकी बॉडी लैंग्वेज है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हमें देखना चाहिए।